दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए, लक्ष्य मिले या अनुभव दोनों ही अनमोल हैं। यह आपको अतिथि शिक्षकों के साथ देखने को मिलेगा, क्योंकि अतिथि शिक्षक इसके पहले कई बड़े आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन यह आंदोलन उनकी जिंदगी का अंतिम आंदोलन हो सकता है। नियमितीकरण को लेकर एक बड़ा अपडेट है। मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा अतिथि शिक्षकों को आखिर नियमित क्यों नहीं किया जा रहा, यह पूछने अतिथि शिक्षक के संगठन लामबंद होकर राजधानी भोपाल में 10 सितंबर को अब एक साथ हल्ला बोलेंगे। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर अपने जीवन के 16-17 वर्षों देने के बाद भी उनको यहां वहां भटकना पड़ रहा है। वर्तमान में अतिथि शिक्षक सरकार से विभागीय परीक्षा को लेकर कंप्लीट अपडेट मिलेगा, इसको पूरा देखिएगा और ज्यादा इसको शेयर करिएगा। पूरे मध्य प्रदेश के जो अतिथि शिक्षक है, लंबे समय से वह सरकारी व्यवस्थाओं, सरकारी अधिकारियों की व्यवस्थाओं, सरकार की व्यवस्थाओं से शोषित है। उन सभी की जो समस्याएं हैं वो जल्द ही समाधान हो सकती है। बस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको अपडेट दिया गया है प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा। साथियों नमस्कार, डीपीआई में बैठे अधिकारी अतिथि शिक्षकों के विरोधी हैं। इन्होंने मनमाना आदेश जारी करके वर्षों से कार्यरत अतिथि शिक्षकों के साथ छलावा किया हुआ है। वर्षों का अनुभव पात्रता के आगे शून्य हो गया है। अगर आप अपना स्कोर कार्ड देखेंगे तो आपको अनुभव के केवल 20 नंबर ही दिए गए हैं, जबकि अगर कोई फ्रेश कैंडिडेट है और उन्होंने परीक्षाओं को पास किया है एमपी टेट की, तो उनको 30 अंक दिए गए हैं। यानी कि सीधी तौर पर आप 4 अंक के हिसाब से 5 साल अगर पढ़ाया है आपने तो आपको 20 नंबर दिया गया है। लेकिन अगर आपने 1 साल भी नहीं पढ़ाया है और अब फ्रेश कैंडिडेट के रूप में टीटी पास किए हुए हैं, एमपी टेट की परीक्षा पास किए हुए हैं, तो आपको वही अंक यहाँ पर ज़्यादा मिल रहे हैं। यानी 10 नंबर, यानी यहाँ पर 4 × 8, यानी आपको 2.5 साल के ज़्यादा अंक अतिथि की अनुभव के अपेक्षा ज़्यादा मिल रहे हैं। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, नीचे कर दिया गया है। वही स्कोर कार्ड में सेवा काल के अनुसार अंक मिलना चाहिए। सेवानिवृत्त शिक्षकों को अनुभव के रूप में 100 नंबर दिए जाते हैं। वही 10 वर्ष की सेवा अगर अतिथि शिक्षक ने पूरी कर लिया है तो उसको भी 100 अंक मिलना चाहिए नियम के अनुसार। वही हमारी सिर्फ एक मांग है, जो गुरुजियों की भांति विभागीय परीक्षा आयोजित कर नियमित करने की मांग यहाँ पर की जा रही है। पात्रता परीक्षा आयोजित करने आदेश जारी करें और अन्यथा डीपीआई में ताला डालूंगा, भले पुलिस प्रशासन मुझे जेल भेज दे। वहीं अतिथि शिक्षकों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे और सरकार का कोई विरोध नहीं है। हम सिर्फ सरकार से अतिथि शिक्षक पंचायत में की गई घोषणाओं के आदेश चाहते हैं। एक अतिथि शिक्षक खुद का भविष्य सुरक्षित करने भोपाल आए। वहीं यहाँ पर बताया हुआ, अब की बार अंतिम प्रहार है, यानी इसके बाद फिर उम्मीद मत रखें अतिथि शिक्षक की। उनके लिए सरकार से अतिथि शिक्षकों के संगठन आगामी समय में लड़ाई करेंगे या कोई मांग करेंगे। वहीं यहाँ पर 10 सितंबर 2024 रोशनपुरा यहाँ पर स्थान का नाम है, से पॉलिटेक्निक चौराहा के लिए यहाँ पर, या सीएम हाउस के लिए यहाँ पर कहा गया है और आह्वान किया गया है। ये मैसेज जो आप पढ़ रहे हैं, ये सुनील सिंह परिहार हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष अतिथि शिक्षक समन्वय समिति की तरफ से दिया गया है। इसी के साथ यहाँ पर एक तस्वीर पोस्ट की गई है। साथ ही आगे यहाँ पर आप देखेंगे अतिथि शिक्षक संगठन से जुड़े जो जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने परमिशन वगैरह ले लिया है। यहाँ पर देख सकते हैं, एक लेटर आपको दिखा देते हैं। सतना जिला के जिला अध्यक्ष का यह लेटर है। यहाँ पर 9/9/2024 को ट्रेन से जिले के, यानी सतना जिले के सभी अतिथि शिक्षक जो हैं, आज़ाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ की रैली भोपाल जाने और आने की सूचना दे दी गई है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये पूरा अपडेट है। यहाँ पर बताया है कि निवेदन है कि प्रदेश के शासकीय स्कूल में विगत 14-15-16-17 वर्ष से अतिथि शिक्षक पूर्ण निष्ठा ईमानदारी के साथ अध्यापन कराते हैं। लंबित मांग को लेकर प्रदेशव्यापी आह्वान आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संगठन की तरफ से 9/9/2024 दिन मंगलवार है, सतना जिले से सभी अतिथि शिक्षक भोपाल रोशनपुरा से सीएम हाउस को ध्यान आकर्षण अपनी मांगों को मनवाने के लिए आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए रवाना होंगे। अतः सतना जिले से सैकड़ों अतिथि शिक्षक कई ट्रेनों के माध्यम से 9/9/2024 को भोपाल आए जाएंगे। यानी किसी का कोई 1 रुपये किराया नहीं लगेगा, इसको मोबाइल में रखिएगा।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 तारीख को भी यहाँ पर बता दिया गया है कि 10 को वापस आएंगे, शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा करेंगे और स्टेशन प्रबंधक को यह दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं ऑफिशियल रूप स्टेशन प्रबंधक यहाँ पर DM के सिग्नेचर और सील देख सकते हैं। तो इस तरह के अलग अलग जिलों के जिला अध्यक्षों ने परमिशन का लेटर ले लिया है और यहाँ पर अतिथि शिक्षक कोई भी परेशान ना हो, ज्यादा से ज्यादा संख्या में राजधानी भोपाल में पहुंचे, जिस तरह 2 सितंबर को उन्होंने अपने जिला स्तर पर रैलियां निकाली थी। तो करीब 10 से 20 हज़ार अतिथि शिक्षक अगर पहुंच जाते हैं वहां पर, तो समझिए उनकी परीक्षा की तारीख और नियम सब जारी हो जाएंगे उसी दिन या दूसरे दिन। मुझे उम्मीद है जानकारी बेहद इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।